ये सब नर्सिंग जो आएगा शुक्र है एमएलए से मिलकर हम ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि व्लॉग स्टार्ट किया जाए, तो आज फाइनली हमने डिसाइड किया कि व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं अपना थोड़ा सा तारफ़ करा दूँ। मेरा नाम मोहम्मद यासर है और मेरे चैनल का नाम LHR फूड पॉइंट है। तो जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था ना फ्रेंड्स, तो मैंने देखा एक दरख्त पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का फल लगा हुआ नज़र आया मुझे। तो मैंने कहा क्यों ना आपसे वो शेयर किया जाए। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि वो फल कौन सा है, वो आपने मुझे कमेंट में दिखाना है कि वो कौन सा फल है, ठीक है? आपने जज करना है उसको। तो चलिए मैं आपको फल दिखाता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं कि आज का हमारा रूटीन वर्क क्या होगा और आज का हमारा व्लॉग में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। आए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, ये है वो फल। आपने मुझे बताना है आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है? और आपने कभी खाया हुआ है या नहीं। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, देख लें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। आपने मुझे इनका नाम भी बताना है और आपको पहचान हुई है कि नहीं ये भी बताना है, ठीक है? तो फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो आए मैं आपको लेके चलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि आज के हमारे व्लॉग में क्या क्या स्पेशल होगा आपके लिए। आए चलिए फ्रेंड्स, मैं चनाब आग आया हुआ था वॉक करने के लिए, तो वॉक कर लिए, तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो आए आपको बताता हूँ कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो अभी हम आ गए हैं जेदा लस्सी वाले के पास, तो यहाँ से पियेंगे लस्सी और आपको तैयार सब नज़र आ रहे होंगे, वो टोकन ले रहे हैं। तो टोकन लेंगे तो उसके बाद हमें लस्सी मिलेगी, तो आपको टेस्ट करके बताते हैं जेदे की लस्सी कैसी है। भाई फाइनली तैयार साहब ने टोकन ले लिया, तो अब हम लेंगे अपने लिए लस्सी। ये देखो भाई, हेलो भाई, सामने आपको नजर आ रहे होंगे, उनसे बात भी करते हैं हम थोड़ी सी। पहले हम लस्सी ले, तैयार साहब लाइन में खड़े हुए हैं। ये आ गई हमारी लस्सी। तो हम पीते हैं लस्सी। तो ये लस्सी पहले पियोगे, मैं पियो। ऊपर ना फुल मलाई है। तो ये सारा कमाल दही का है। दही इनकी बहुत मीठी होती है और दही के ऊपर एक मोटी तह होती है मलाई की, और वो मलाई जो है लस्सी की लज्जत को दुबाला कर देती है, उसके जायके को दुबाला कर देती है। चेक करें ज़रा कितनी गाड़ी है। ये सब लस्सी इंजॉय करते हैं, शुक्र है एमएलए से मिलकर हम ले रहे हैं। तो मैं आपको इनका एड्रेस बता देता हूँ। ये है रंग महल अंदरून में, गुमटी बाज़ार के अंदर, जेदा लस्सी वाला, और बड़ा ही फेमस है पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में बहुत से यूट्यूबर आते हैं। दही देखें आप, और दही के ऊपर मलाई जो आपको नज़र आ रही है उसकी तह देखें कितनी मोटी है, ये देखें। और कोई कंजूसी नहीं करते, मलाई गिलासों में डाल के रखी हुई है इन्होंने, ये देखें। और काफ़ी ज़्यादा मलाई डाल के रखी होती है इन्होंने गिलास में, और बहुत ही अच्छी लज्जत है इसकी। भजन कब की है शॉप? शॉप
39 साल हो गए। तो कितना लग जाता है डेली का तकरीबन? ये दूध वगैरह अपनी भैंस से रखी हुई या अपनी भैंस से रखी हुई है? सही सही। कितने बजे सुबह? 5:30 से 10 बजे तक। ठीक है, तो आपने देख लिया तो यहाँ पे लस्सी बन रही, हाथ से लस्सी बना रही। दही आ गई है, लाई देखें तो दही बहुत मज़े का है, मीठा होता है और बहुत गाढ़ा होता है। लस्सी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, हमने पी है, बहुत लजीज है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, हमने लस्सी पी ली है, बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया लस्सी पी के। और अब हम चलते हैं नाश्ता करने। तैयब साहब साथ जा रहे हैं माशाल्लाह, और तैयब साहब यहाँ पे ले के आए, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, तो ये साथ ही हुआ करेंगे मेरे साथ वीडियो में और ब्लॉग में इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, हम आगे मरहबा बोंग पाए और देखिए मुरग चने वालों के पास, तो यहाँ से हम करेंगे नाश्ता। तो यार मैं आपको एक छोटी स्टोरी शेयर करता हूँ कि पहले हम गए थे वोसिया चने वालों के पास, तो वो ख़त्म हो गए थे, तो हमने कहा चलो ताजमहल वालों की ना हलवा पूड़ी खाते हैं। तो जब हम वहाँ गए तो तैयब साहब ने कहा जी मेरा गला ख़राब है, हलवा पूड़ी नहीं खानी, तुम्हारा बाप वालों के पास चलते। तो हम यहाँ पे आ गए, तैयब साहब सुबह की घुमाई फिराई जा रहे हैं बस। अभी हम ऑर्डर देते हैं, आपको बताते हैं, हम खाएँगे बोंग और चने, और एक उनके साथ पराठे भी होते हैं और एक पराठा खाते हैं साथ। तो ये इनके चने हैं, साथ अंडे कोफ्ता पड़े हुए हैं और ये अंडे पड़े हुए हैं, खत पड़ी हुई आपको नजर पाए हैं, मगज पड़ा हुआ है, ये है बॉम्ब। इनके पास बॉम्ब पाए होते हैं, पाए और खत होती है, मगज होता है, अंडा होता है, कोफ्ता और चने। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है। तो यार ये हमारा आलू वाला पराठा लग रहा है, चार बड़ा हुआ प्याज और आलू, यहाँ पे इन्होंने अंदर अपना तंदूर लगाया हुआ है और गरम गरम कुलचे भी मिलते हैं यहाँ। आपको एड्रेस बता देता हूँ, ये शाहबुल माली चौक है और दिल मोहम्मद रोड है। तो मरहबा बोंग चने, मरहबा बोंग पाए, दिल मोहम्मद रोड, शाहबुल माली चौक। भाई ये पराठे लग रहे हैं, ये कारीगर है इनका पराठों वाला। कलर देखें आप पराठों का, कितना प्यारा लग रहा है। देखें कितना प्यारा कलर निकला है, फुल रेड वुल में। टाइमिंग पूछ लेते हैं, टाइमिंग क्या है? 6 से 4 बजे तक, सुबह 6 से शाम 4 बजे तक। और कब से है ये शॉप? 2002 से। भाई ये इनका हाल है, यहाँ पे बैठने की जगह है, देखें आप बहुत बड़ा लिखा हुआ है मरहबा बोंग पाए नान शॉप। और ये फैमिली हाल है, आपको फैमिली हाल भी दिखाता हूँ मैं अंदर से। ये इनका फैमिली हाल है, आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है फैमिली हाल। तो चलो
हमारा खाना आता है तो महफूज आते हैं। तो यार हमारा नाश्ता आ गया, ये देखें ये पाए आए हैं बोंग पाए और ये आए हैं चने, और ये हमने मंगवाया एक पराठा और साथ हैं कुलचे। तो खा के देखते हैं, आपको बताएंगे कि ऐसा इनका जायका है। तो चले आए शुरू करते हैं। आलू वाला पराठा, बहुत मंदिर है जो आपको अंदर से दिखा दो, देखिए पूरा का पूरा भरा हुआ है, कमी नहीं की उन्होंने आता था, कंजूसी नहीं की, साथ अचार दिया मैंने। एक रायता देना, आलू वाला पराठा बहुत ही मजेदार है, लजीज है और अब कहेंगे अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। बोंग की रोटी है और साथ शोरबे के साथ लगा के चेक, बहुत मज़े का है, इतना मज़े का शोरबा है ना इसका बता नहीं सकता, और फुल टेंडर है, फुल पका हुआ है, मुंह के अंदर घुड़ हुआ है और जायका दे रहा है, एक एक बाइट है ना वो जायका दे रही है। चने का टेस्ट आपको बताता हूँ मैं, भैया चने चने अच्छे हैं लेकिन मेरे फेवरेट नहीं हैं, कई साहब के फेवरेट हैं और थोड़े थोड़े से सख्त होते हैं चने इनके, तो मुझे शुरू से ही नहीं पसंद है क्योंकि हम पहले काफ़ी दफ़ा नाश्ता कर चुके हैं और कई साहब को शुरू से ही पसंद है, लेकिन मुझे बोंग है ना वो बहुत पसंद है यहाँ के, और पराठा भी अक्सर हम खाते रहते हैं पराठा और बोंग, ये बड़ा मज़े करता है। तो ये आ गया रायता, रायते का पराठा चेक करते हैं, रायते के साथ चट चटने पर रायते के साथ भी और भी मज़ा आ रहा है। रायते ने पराठे का मज़ा तो बाला कर दिया, रायते के साथ अब बहेंगे और भी मज़ा आएगा। तो हमने नाश्ता कर लिया, ओवरऑल सब चीज़ें अच्छी थी, बोंग सबसे ज़्यादा हमें अच्छे लगे और तैयब सब को चने पसंद आए वैसे मुझे बोंग। और अब हम यहाँ पे अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। और तैयब सब मेरे भाई हैं, फ्रेंड हैं, आपको जब तक मैं लाहौर हूँ मेरी सब वीडियो में ये नज़र आएंगे लाजमी, मेरे सारे व्लॉग होंगे ना उनमें ये लाजमी नज़र आएंगे, ये हमें ज्वाइन लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया तैयब सब, अल्लाह हाफिज़।